आजमगढ़ महोत्सव में आखिरी दिन रात को भोजपुरी अभिनेत्री अक्षरा सिंह के कार्यक्रम में भारी बवाल हो गया। घटना तब शुरू हुई जब अक्षरा सिंह मंच पर पहुंची। मंच पर आते ही अक्षरा ने गाना शुरू किया, बड़ा निक लागेला बलम जी के बोलिया। तभी 20,000 की भीड़ बेकाबू हो गई। भीड़ ने बैरिकेटिंग तोड़कर मंच की ओर बढ़ने की कोशिश की और धक्का मुक्की शुरू हो गई। इस दौरान जूते चप्पल और पानी की बोतलें भी फेंकी गई, जिससे स्थिति और बिगड़ गई। भीड़ को काबू में लाने के लिए पुलिस को लाठी चार्ज तक करना पड़ा। भीड़ को काबू में करने के लिए पुलिस को लगभग आधे घंटे मशक्कत करनी पड़ी। ये सब देखकर अक्षरा सिंह का धैर्य जवाब दे गया और उन्होंने कार्यक्रम छोड़ दिया। लेकिन बाद में जब हालात काबू में आए तो वो फिर से मंच पर आई। इस कार्यक्रम के दौरान प्रशासन की व्यवस्था को लेकर भी लोगों ने नाराजगी जताई और तहसीलदार भाजपा जिला उपाध्यक्ष के बीच कुर्सी पर बैठने को लेकर विवाद भी हुआ, जिसके बाद सीनियर अधिकारियों ने हस्तक्षेप करके मामले को शांत करवाया। जो यहाँ से प्यार मिलता है हर बार, तो मतलब नेक्स्ट लेवल है। और जब भी आती हूँ यहाँ पे अलग उन्माद और खुशी लेकर। इस प्रकार से यहाँ से सांस्कृतिक कार्यक्रम पर लगाव रहा है, आजमगढ़ का कार्यक्रम रहा है, चाहे हरिहरपुर घराना हो, एक एक तमाम संगीत निकले हुए हैं। उन लोग के क्या संगीत, जो युवाएं बढ़ते हैं, यूथ है, उनके जनरेशन के लिए संगीत। ये आजमगढ़ की जो धरती है वो अपने आप में बड़े बड़े काबिल, बड़े बड़े दिग्गजों को दी है। और आप ही जानते हैं, हम सब जानते हैं, बहुत बड़े बड़े नाम हैं जिनको हम बचपन से सुनते पड़े हुए हैं। और अभी की यूथ के लिए, उनके लिए क्या मैं संदेश दूंगी, ये यहाँ की धरती ना बड़े बड़े कलाकारों को जन्म देती है और ये बेहद बड़ी बात है। सांसद जी के साथ तो हम आए ही थे अभी कैंपेनिंग में, और साथ ही हमने साथ में काफ़ी फिल्में की हैं। आई एम सो हैप्पी एंड ग्लैड टू बी, जो भी हमने साथ में फिल्म की है, जो भी काम किया है, उसके लिए मैं हिस्सा रही हूँ, उसके लिए बेहद। जो दर्शक आपको देख रही है कि लास्ट में मैसेज दे दिए उस गाने के माध्यम से, भीड़ लग रही है, आजमगढ़ की जनता आपको देख रही है, लास्ट में मैसेज दे गाने के माध्यम से। ये हमरा चाही बलम जी आजमगढ़ से। सीआईबी इंडिया न्यूज़ की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें।